हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय। आज जन सरोकार मंच के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का मौका मिला, तो मैं इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर देवेंद्र जोशी। एंड मेरा नाम अजय है एंड बेसिकली मैं मुंबई में हूँ। मैं म्यूजिशियन हूँ, यहाँ पर गाने बनाता हूँ और साउंड इंजीनियर हूँ। आई होप आई एम लाइव, राइट? हाँ, आई एम लाइव। ओके, तो बेसिकली मुझे पता चला इस मंच के बारे में, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ज्वाइन करने के लिए। एंड अपने पास 45 मिनट्स हैं, तो मैं एक गाने से ही स्टार्ट करता हूँ। ये गाना वैसे मेरा है बेसिकली। ये मेरा ही गाना था, मैंने ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे लिख दिया था। और आप अपनी क्वेरीज बता सकते हैं, आप अगर कुछ जानना चाहते हैं। हेलो गीता मम्मी जी, आवाज़ धीमी है। ओके, तो मैं अपने इस वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, बट माइक चेक अभी आ रही है। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था, मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे, मतलब मुंबई में कैसा अपना है म्यूज़िक का एंड मैंने क्या क्या किया है। बेसिकली म्यूज़िक के अंदर क्या है, हम लोग गाने बनाते हैं एंड मेरा क्या रहता है कि सिंपली अपना जयपुर से ही मैंने गिटार टीचिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया था। एंड फिर यहाँ आने के बाद मैंने और काम ढूँढा, तो यहाँ पर भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ अभी। एंड देन अलॉन्ग विद दैट थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं अपने, जो भी क्लाइंट्स मिलते हैं उनके साथ में उठा लेते हैं। तो गाने कंपोज भी करते हैं हम लोग, दूसरों के गाने प्रोड्यूस भी करते हैं एंड लिरिक्स वगैरह भी मैं लिखता हूँ अपने खुद के ही। तो उस तरीके से हमारा मतलब म्यूज़िक का यहाँ पे चल रहा है। तो मेरा एक और गाना आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। मीनवाइल मेरे ख्याल से तुमको घर नया,
जाओ जो धड़कनों को सुनकर, हम जाएंगी फिर ये सदा मेरे ख्वाबों में, हर ख्यालों में आ रही हो तुम्हें हर दफा, सौर की धूप में चांद के पर, तुमको बताऊंगा है क्या यहाँ पे लिखा, गीता मामी जी, थैंक यू विशंबर शर्मा जी। तो अपना क्या है, जैसे म्यूज़िक के अंदर मैं करता हूँ ना, थोड़ा मतलब मैं म्यूज़िक के बारे में ही डिस्कस करते हैं अब जब म्यूज़िक की बात है, तो अपना म्यूज़िक क्या होता है कि साउंड और टाइम का ही कॉम्बिनेशन रहता है, राइट। साउंड इज़ लाइक आवाज़ एंड टाइम इज लाइक द बीट्स, द सुर और ताल बेसिकली। अब सुर क्या है, सुर भी अपने सही रहने चाहिए तभी हमारा म्यूज़िक बनता है। अगर सुर अलग अलग लगे हुए हैं गलत है तो फिर भी शोर है, एंड अगर ताल भी सही नहीं है, अगर टाइमिंग सही नहीं है तो भी शोर हो जाता है, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को है ना, मतलब दोनों को कंबाइन करके चलना पड़ता है, राइट। तो अभी सुरों के अंदर फिर हमारा बेसिकली नोट्स आते हैं, नोट्स आर लाइक सारे गामा पदनी एंड देन सा, तो ये हमारे सात सुर हैं, ऊपर से पांच और मेजर माइनर, मतलब पांच और माइनर सुर रहते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद ताल, ताल इज लाइक आपकी टाइम किस हिसाब से चलेगा, लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4, जो सारे गाने लिखे जाते हैं वो इसी ताल के ऊपर लिखे जाते हैं, तो ऐसा हमारा कॉम्बिनेशन रहता है। एंड देन जब लिखने में आते हैं गाने तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं साथ में, एंड देन मतलब मैं किस बारे में बात करूं, मैं भी एक्चुअली नया हूं तो मुझे पता नहीं है कि किस बारे में बात करनी है, सही है। तो बाकी मैं फिर ये सारे गाने, मतलब मैंने अपने, इनमें से कुछ गाने मैंने अपने कॉलेज टाइम में लिखे थे, कुछ गाने हैं जो मैंने इन दिनों यहाँ पे बैठ के लिखे, तो ऐसा सीन है। ये मेरा वन ऑफ द फर्स्ट गाना है जो मैंने बेसिकली लिखा था बहुत ही साल पहले, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, 2013-14 के अराउंड लिखा था। तो
आंखों के इशारे सुन सकती हो क्या दिल की जुबान, पर आऊंगा जो कहने तेरी दुनिया में रहने बिना सोचे ही तो कह दोगी ना। खुद बोले खुदा मैं हूँ जो हूँ मैं यहाँ पे, तुम हो तो हो बस जहाँ में, तुम चाहो सब तो जाओ भुला। मैं तो समझा भी चुका हूँ अच्छा बुरा, कर मैं ही हूँ तेरा आसरा। Then you'll never find, 'cause you'll be disguised to me. मैं आपको साथ साथ में स्टोरीज भी बता रहा हूँ कि मतलब मैंने गाने क्या सोच के और कैसे कैसे लिखे, तो थोड़ा सा समा बंधा रहेगा। तो ये गाना था, मतलब बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यू नो अपने इतने सारे लड़के लड़के रहते हैं, तो ऑल दी अदर ब्रांचेज आर लाइक कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इनके अंदर की फीलिंग दी क्या होंगी। बट तो ये मैंने इसी टाइप से लिखा था कि लाइक बिना लफ्ज़ों के सहारे इन आँखों के इशारे सुन सकती हो क्या तुम दिल की जुबान की, लाइक हमारी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है बट देन स्टिल। गानों को कंपोज करने का विचार कैसे आता है, एक्चुअली देवेंद्र जी ऐसा रहता है ना कि कई बार तो कोई ट्यून पहले दिमाग में आती है राइट, और कई बार क्या होता है कोई थॉट आता है, मतलब कोई बात है जो आप कहना चाह रहे हो पब्लिक से, मतलब किसी भी इंसान से बेसिकली, पर आप सामने सामने हर बार नहीं बता पाते उन्हें कि, और कई बार आपको ना टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए सही शब्दों को आने के लिए। तो बस यही है, सही विचार ऐसे ही आता है, जैसे मेरे को किसी से कुछ बात कहनी है बट अभी मेरे को पता है कि मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैं उन शब्दों को ढूंढता हूँ। फिर थोड़ा टाइम तो सिर्फ इसी में जाता है कि मैं क्या बात एक्चुअली में कहनी है, फिर देन उसके बाद उसको म्यूज़िक के ऊपर बैठाया जाता है। तो लाइक अपना ये गाना है अपना, मैंने ज़िंदगी करके बनाया था। तो मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब प्रॉब्लम एज इन सभी की लाइफ में रहती है, कोई ऐसी बड़ी बात करी है तो मैं ऐसे अपने लाइफ के बारे में सोच रहा था। अब क्या हुआ ना, बैठा बैठा मैंने सोचा कि मतलब मैं अपनी लाइफ से ही बात कर रहा था, तो मैंने कहा भाई क्या है यार ज़िंदगी, वाई आर यू डूइंग दिस टू मी। तो करते करते फिर मैंने एक गाना बनाया, तो इस लाइक इस टाइप का था। मेरे साथ साथ चलते तुम कहाँ भटक गई हो जिंदगी, मैं सही हूँ या गलत हूँ, तुम गलत हो या सही हो जिंदगी। बोला था ना तुमसे शांति से जीना है यहाँ, तरफ से प्रॉब्लम्स ला रही हो तुम कहाँ। जी रहा है आदमी जो शांति से, तो क्या गलत है, कर रहा है जो भी आपकी खुशी में काफी है, काफी है। मेरे साथ
साथ साथ चल रही है मेरी जिंदगी, ये पाल तू नहीं है मेरी होगी फिर तो क्या किसी की कोई भी कहे, अगर की ऐसी होनी चाहिए तो पाल तू नहीं है सॉरी होप टू अंडरस्टैंड जिंदगी बैठे बैठे जब सोचते हैं ना इंसान, तो यही बात थी कि ज़िंदगी से मैं बात कर रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैं अपनी लाइफ में सही हूँ कि या फिर जो डेस्टिनी मेरे को लेके जा रही है वो सही है। तो आज जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो हो सकता है कल के किसी ग्रेटर एडवांटेज के लिए आज मेरे को सीख देने के लिए आई है प्रॉब्लम्स। तो इस टाइप से करके कि मतलब अपनी लाइफ से कन्वर्सेशन कर रहा था, तो बस उसको राइम करके मैंने गाने के अंदर तब्दील कर दिया। और उससे क्या हुआ कि मेरे को किसी पे गुस्सा भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप में भी खुश रहा, गाने का गाना बन गया। तो ऐसा मतलब विचार आया गाने में। बाकी साउंड इंजीनियरिंग मम्मी जी कैसे रहते हैं ना कि एक तो अपन गाना बना रहे हैं राइट, और गाने को बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बाकी स्पीकर के अंदर वो कैसा साउंड कर रहा है वो एक अलग चीज़ रहती है। तो अभी क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट तो बचता नहीं, और एक गिटार मतलब से वोकल भी नहीं रहता। अभी क्या है इतने सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, एक बंदा गिटार पे बैठता है, फिर एक कीबोर्ड प्लेयर होता है, फिर एक ड्रमर रहता है, ड्रम के भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मतलब ड्रम के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और सब पे अलग अलग माइक लगता है रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक माइक से आप पूरे ड्रम को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपके बाकी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आप कितने भी ऐड कर सकते हो, वॉयलिनिस्ट ऐड कर सकते हो, पूरा ऑर्केस्ट्रा ऐड कर सकते हो। अभी क्या है जब अपन ना सब कुछ कर दिया उसके ऊपर, फिर वोकल भी है, वोकल के अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा हो सकता है ड्यूएट हो, तो उसमें एक मेल और एक फीमेल वोकल है, दोनों की अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। और फिर उसके बाद क्वायर ग्रुप और बैठता है अगर होता है सिंगर्स का, जो चार पांच एक साथ हारमोनीज वगैरह देते हैं, तो ये सब ना इतना ज़्यादा वो हो जाता है, ग्रुप हो जाता है कि अगर ना आप इसको प्रॉपरली मिक्स नहीं करोगे ना पूरी साउंड को, जो सबकी साउंड आ रही है उसको अगर आप प्रॉपर मिक्स नहीं करोगे तो एकदम शोर सुनाई देगा, तो एक दूसरे पे जो ना साउंड होती है वो एक दूसरे को काटने लगेंगी। तो अपन क्या करते हैं साउंड इंजीनियरिंग के अंदर, इन सारी आवाज़ को सेपरेट सेपरेट करते हैं सबके अंदर, मतलब पहले नॉइजेज हटाते हैं गाने की, मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इनके, तो उससे क्या रहता है सारा गाना मतलब खिल के बाहर आता है। अगर आपने 50 ट्रैक है, 50 के अंदर दो सिंगर है अलग अलग, उसके बाद एक गिटार बज रहा है, ड्रम के अलग अलग माइक से अलग अलग रिकॉर्ड हुए पार्ट सारे, फिर कीबोर्ड प्लेयर अलग था, फिर वॉयलिन वाले अलग थे, ऐसे करके सपोज 50 ट्रैक है। अब 50 ट्रैक सोचो एक ही स्पीकर से एक ही आउटपुट से 50 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, तो वो जो भीड़ हो जाती है ना उस भीड़ को हम लोग बेसिकली छांटते हैं कि अभी क्या रहता है उसके लिए साउंड के एस्पेक्ट्स हम लोग देख के चलते हैं ये कैसे करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ। तो साउंड मिलती है दो चीज़ों से, फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। तो अभी फ्रिक्वेंसी होती है कि आपके गाने का सुर कौन सा है, पिच क्या है, मतलब सारे गामा बदानी सा, तो हर एक नोट की अपनी एक अलग अलग फ्रिक्वेंसी है राइट। और एम्पलीट्यूड होता है कि कौन कितना लाउड है। तो अभी अगर मैं तो लाउडनेस भी होती है। तो अभी क्या रहता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट को हमको पीछे रखना पड़ता है बैकग्राउंड में, कोई इंस्ट्रूमेंट को हमको फॉरवर्ड रखना पड़ता है, जो वोकल होता है उसको सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड रखना पड़ता है। फिर उसके बाद जब आप साउंड रिकॉर्ड करते हो ना, तो साउंड अपने साथ में नॉइज भी लेकर के आती है, मतलब एनवायरमेंट की नॉइज, पंखे की आवाज़ सपोर्ट। तो वैसे बेसिकली तो हम लोग जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो साउंड प्रूफ रूम में करते हैं। साउंड प्रूफ रूम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कमरे को अंदर से पूरा इंसुलेट कर देते हैं कि बाहर की आवाज़ अंदर ना आए और अंदर की आवाज़ बाहर ना जाए। तो उसके लिए भी एक पूरी टेक्निक लगती है। पर अगर वो नहीं भी किया, इनफैक्ट वो भी कर रहे हो, और अगर आपने एसी भी चलाया तो एसी का जो हमिंग होता है ना वो हमको वैसे नहीं सुनाई दे रहा, पर माइक इतना पावरफुल होता है कि माइक कैप्चर कर लेता है, और तो हम बेसिकली उस टाइम पे एसी भी ऑफ ही करते हैं। पर अगर सपोज़ हमारे पास ये सारी चीज़ें भी नहीं हैं और बाहर की नॉइज़ भी आ रही हैं, तो आप क्या करोगे। तो अब क्या होता है ना, हम लोग पहले नॉइज़ की फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, फिर उस फ्रिक्वेंसी को हम लोग कट ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग, अब जैसे कंप्रेशन नाम का एक चीज़ होती है, कंप्रेशन में क्या होता है जैसे कोई बंदा कुछ चीज़ गा रहा है तो वो एक ही पिच पे तो गाएगा नहीं, कभी वो सॉफ्टली गाएगा, कभी वो एकदम हार्ड हो जाएगा। जैसे हाई नोट्स ले रहा है बंदा तो उसकी आवाज़ एकदम तेज़ हो जाती है। अभी क्या होता है ना, जब आप इसको गाने में सुनते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट पैदा कर देता है। तो वो डिस्कम्फर्ट को करने सही करने के लिए हम लोग कंप्रेशन नाम का एक प्लगइन होता है, जिसमें जो उसने धीरे गाया होता है उसको थोड़ा सा उठा देता है तो उसकी वॉल्यूम को, और जो उसने एकदम लाउड गाया होता है उसको बैठा देता है, तो सबको इक्वलाइज कर देता है। तो ये कंप्रेशन टाइप की चीज़ है। फिर इक्वलाइजर होता है जो मैंने बताया फ्रिक्वेंसी, ये तो एम्पलीट्यूड को मैनेज किया, लाउडनेस और जो सॉफ्टनेस थी उसको इक्वेट किया। फिर होता है हमारा ये फ्रिक्वेंसी का जो मैनेजमेंट होता है, फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इक्वलाइजर।
इक्वलाइजर मतलब इक्वल करते हैं सारी फ्रिक्वेंसीज को। सारी फ्रिक्वेंसीज को इक्वल कैसे, जैसे कि अगर मैं ड्रम बजा रहा हूँ, ड्रम के अंदर जो केक होती है जो बड़ा वाला जो पैर से बजाया जाता है, ठीक है, तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है तो उसको उसकी डेजिग्नेटेड फ्रिक्वेंसी पर बैठाया जाएगा कि भाई तुम्हारी ये फ्रिक्वेंसी है। फिर ऊपर से हमारा बेस गिटार आता है जो ड्रम्स के साथ में प्ले होता है, तो उसकी जो डेजिग्नेटेड फ्रिक्वेंसी उसके ऊपर उसको बैठाया जाता है। ऐसे फिर कीबोर्ड में भी अलग अलग होता है, पियानो आप प्ले कर रहे हो, फिर पैड्स प्ले कर रहे हो, पीछे जो स्ट्रिंग्स प्ले होती है जो कॉन्टिन्यूस प्ले होती है, फिर अगर वॉयलिन प्ले हो रहा है, फिर गिटार प्ले हो रहा है, फिर ये सारी चीज़ों को पहले लेयरिंग होती है, मतलब सबको अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पर बैठाया जाता है। उसके बाद आपका जो दोनों सिंगर्स होते हैं, मतलब एक रहेगा, दो रहेंगे या चार रहेंगे, जो भी होंगे, तो उन सबकी जो होती है ना डेजिग्नेटेड प्लेस की, मतलब वो टॉप पे रहते हैं, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाता है कि वो लोग जो गाए ना तो वो गाना भी सुनाई दे, पर जो म्यूज़िक है उसकी भी वैल्यू है, और इनफैक्ट हर एक इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली सुनाई दे। तो इसके लिए साउंड इंजीनियरिंग की जाती है बेसिकली। तो अपना ये था कॉन्सेप्ट साउंड इंजीनियरिंग का। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो अगर लीड हटा दो तो शायद आवाज़ तेज हो जाएगी। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, पता नहीं वैसे आवाज़ देखो अभी मेरी आवाज़ तेज आ रही है। अभी मेरी आवाज़ आ रही है, राइट, तेज़ आ रही है। तो इसी बात पर फिर नया गाना उठाते हैं। तो ये एक गाना है जो मैंने अभी एक आध महीने पहले ही लिखा था। तो जेब में जो होता पैसा वैसा मेरे बिछा देता सारी दुनिया के झमेले खरीद के तेरे कदम के तले प्यार का जो ड्रामा किसी ने ना पहचाना खाली जेब खाली पेट है नसीब में दिल कहाँ तेरी भी नहीं है इसमें कोई भी खता आजकल का तो समाना ही बुरा अपने भी पराए अगर वो पैसे ना कमाए पर अमीर आदमी के हाथ जोड़ दाएं पाएं इतने पर्दाफाश फिर भी कितने हैं नकाब कर्मियां दिल पे तो चढ़ा है फिर भी प्यार का खुमार पर जमाना देख हाथ उठ रहा है हथियार पर क्यों प्यार भी खरीदना पड़ेगा क्या जहान में इतने सारे धर्म फिर भी गलतियां इंसान में है क्यों जब नहीं है मिलता कोई भी आसरा तब खुदा से जाके कम है होता फासला कोई हाथ तो बढ़ाए एक राह तो दिखाए दिल में बुझ गई जो शम्मा उसको फिर जलाए देखा तो नहीं है पर उम्मीद पर ही आदमी टिका उसके भी तो नाम पर सब धंधे हैं यहाँ कोई ऐसे मांगता तो कोई वैसे मांगता पर वो है तो फिर सभी का उस पे हक नहीं किसी का चाहे कोई आके ठेका ले ले बंदगी का उसने कब कहा था मेरे नाम को कभी भी बेचना पे तो चढ़ा है फिर भी प्यार का खुमार पर जमाना देख उंगली उठ रही है संसार पर क्यों प्यार भी क्या छीनना पड़ेगा इस जहान में कलेज को भी ठंडा करना होगा एक आग से क्यों
इस तरीके से ये गाना था, मतलब आप समझ ही होंगे अब जैसे मैं कैसे लिखा है गाना था। एक पॉइंट मतलब एवरी वन गेट्स टू नो, और भी मुंबई में जिस टाइप की स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है इवेंचुअली गेट टू नो द प्लेस ना, कि तो उसी पॉइंट पे मैंने ये गाना लिख दिया बस। थैंक यू थैंक यू। तो ऐसा है बस गाने थैंक यू पंकज जी, थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू गीता मामी जी। तो अभी अपन ने अपने गाने तो किए, अभी थोड़े बहुत एक आध दो गाने बाकी उनके भी लेते हैं। जैसे एक ये गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू मामा जी। माही वे तेरी याद आती है रे, जाने में क्या है, मान जाने में क्या है, दिल जलाने में क्या है, अब तुम जान लो। मुख्तसर है फसाना, मैं हूं तेरा दीवाना, मेरा दिल ना दुखाना, अब तुम जान लो। सुना सुना मेरा जीवन मेरे नजदीक आ, अच्छा सा गाना था। तो कई बार कई गाने ऐसे होते हैं जो सालों साल तक आपको अच्छे लगते हैं, तो ऐसा है। बाकी मैं आपको अपनी फिर जर्नी डिटेल में बताता हूँ। मैंने एक्चुअली, मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे को क्या कैसे बोलना होगा, तो मैंने निखिल भैया का वो देखा था इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी, तो मैं भी उसी चीज़ को वो कर रहा हूँ। तो क्या हुआ था कि मेरे साथ में मैंने पहली बार गिटार उठाया था जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, अराउंड 2011-12 के अराउंड। तो उसके पहले मैं गाना बचपन से ही गा रहा था, पर मैंने क्लासिकल भी सीखा था बचपन में, पर बहुत ज़्यादा नहीं सीखा था, पर हाँ कंसिडरेबली सीखा था, इतना कि मेरे को पता चले कि म्यूज़िक क्या है। तो बाकी तो फिर प्रैक्टिस ही है कि आप सीख लेते हो, फिर जितना प्रैक्टिस होती है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो फिर बाद में मेरे को स्कूल के 11-12 क्लास के अराउंड मेरे को इंग्लिश गानों का शौक चढ़ा, तो फिर वहाँ से मेरे को फिर से म्यूज़िक का जो पैशन था वो रीइग्नाइट हो गया मेरे अंदर। फिर जब मैं कॉलेज आया तो मैंने कहा तो मैं बैंड बनाऊंगा, तो मैंने गिटार वगैरह ख़रीदा और अपने दोस्तों के बीच में, मतलब उस टाइम ज़्यादा कुछ आता नहीं था, गाना आता था पर गाना गाता गाता करता था, बट मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। मैंने कहा सिर्फ खाली गाना गाने से काम नहीं चलेगा, फिर मैंने गिटार भी ख़रीदा, फिर धीरे धीरे मैंने उसको प्ले करना सीखा, फिर अपने गाने वाने भी हाथों हाथ मैंने बनाने लग गया। तो करते करते जयपुर में भी मेरा अच्छा हो गया था, मैंने बैंड वगैरह प्ले बनाए वहाँ पे, हम लोगों ने गाने भी कंपोज किए मिलजुल करके, एंड देन टीचिंग वगैरह भी अच्छी हो गई थी वहाँ पे, एक होटल के अंदर मैं परफॉर्म भी कर रहा था। बट इवेंचुअली क्या हुआ, मेरे को मूव ऑन करना पड़ा जयपुर से, क्योंकि जयपुर मतलब मैं चाहता था मुंबई आना। तो फिर इवेंचुअली कुछ साल बाद मैं यहाँ आया, फिर यहाँ आने के बाद फिर से ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे फिर यहाँ पे मैंने साउंड इंजीनियरिंग करी, क्योंकि ये साउंड इंजीनियरिंग अभी इंडिया में ऐसी चीज़ है वो ज़्यादा जगह पे अवेलेबल नहीं है, शायद मुंबई के अंदर है और साउथ के अंदर है, जहाँ जहाँ पे भी मूवी इंडस्ट्री है वहाँ पे साउंड इंजीनियरिंग का स्कोप अच्छा है। बट जहाँ पे बाकी फिर जगहों पे अब जा करके शायद खुल गए होंगे कॉलेजेस वगैरह, बट मेरे को मुंबई आना पड़ा। फिर मैंने यहाँ पे साउंड इंजीनियरिंग करी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फिर से बैंड वगैरह ज्वाइन किए, फिर अभी टीचिंग वगैरह फिर से स्टार्ट करी।
एंड अभी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर भी मैंने किए हैं, बट अभी इतना मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में मैं गया नहीं हूँ। और मेरा एक्चुअल इंक्लिनेशन भी अपने पर्सनल गाने बनाने में ही है, क्योंकि मेरे को मतलब इंटरेस्ट अपने गानों से ही मेरा म्यूज़िक में आया था, तो मैं उसी फील्ड को परस्यू करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा है, बस कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली हो जाती हैं। अभी मैं उतना ये भी नहीं कह सकता कि मैंने बहुत मेहनत की, और ऐसा भी नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा आता है, अभी तो बहुत सीखना है। तो वही है, तो और कुछ मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, एक मिनट में बस एक दरवाज़ा बंद करके आ रहा हूँ, मेरे को आवाज़ आ रही है। तो एक ये गाना है, ये भी मैंने ऐसे ही बनाया था। ब्लूज़ करके एक जॉनर रहता है अपना म्यूज़िक में, जो गिटार बेस्ड होता है, तो उसी के ऊपर। की शिकायत कि लोग चाहते हैं बस प्रोटेस्ट, इंडिया गेट पर बैनर लेकर आपने किया प्रोटेस्ट, टीवी चैनल्स पर आपने की इक्वालिटी डिमांड, मेरे जैसे लोगों के दिलों में गई बात परमानेंट। यहाँ पर ना है कोई रूस, so I'll just close my eyes meanwhile and play the desi blues, desi blues। तो ये गाना मतलब थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट और डिस्क्रीट टाइप का है ये गाना, शायद आपको एक बार में पता नहीं चलेगा तो किस बारे में है, तो क्योंकि मैंने इसको रखा भी थोड़ा सा डिस्क्रीट ही है। तो ये ऐसा है कि बीच में अपने को पता चला था ये काफ़ी कुछ सोशल इश्यूज हुए थे, जहाँ पे इक्वालिटी एंड सारी चीज़ें हो रही थी, निर्भया वगैरह का केस भी हुआ था, तो उस टाइम भी ये सारी चीज़ें हैं ना घूम करके एक दिन मेरे आगे आई, मतलब न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देख ली थी मैंने, तो अभी मैंने कहा इसी के ऊपर एक गाना बना दिया। तो अभी क्या होता है ना कि उस चक्कर में एक थोड़ा सोसाइटी के लेवल पर हमारा ना ये मतलब एक सोशल गाना है कि सोसाइटी के लेवल पे फिर एक प्रिमोनिशन सा होने लगता है, ये एक अंधविश्वास टाइप का कि सारे लड़के ऐसे रहते हैं या जो भी है, मतलब ट्रस्ट नाम की एक चीज़ जो होती है ना सोसाइटी से वो जाने लगती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं एक आम आदमी, बेसिकली क्या रहता है, जैसे अगर यही कोरोना वाला सीन है, अभी कोरोना का सिस्टम ही ऐसा है कि अब एक बार में ट्रस्ट चला गया ना सोसाइटी में लोगों का एक दूसरे के ऊपर से कि भाई इसको भी हो सकता है कोरोना, इसको भी हो सकता है कोरोना, करते करते क्या होता है मतलब एक फैब्रिक जो होता है ट्रस्ट का वो टूट जाता है। तो इसी पॉइंट पे फिर मैंने गाना बनाया था कि आपकी शिकायत कि लोग चाहते हैं बस रोमांस, कि मतलब इट्स नॉट लाइक दैट, लड़के दोस्त भी होते हैं जो भी है, तो इंडिया गेट पर बैनर लेकर आपने किया प्रोटेस्ट, टीवी चैनल्स पर आपने की क्वालिटी डिमांड, एंड मेरे जैसे लोगों के दिलों में गई बात परमानेंट। मतलब कई बार क्या होता है ना, अभी अगर आपको पता है कि सामने, अब कई बार क्या होता है यू हैव टू गिव अप द फाइट, आपको ज़रूरत नहीं है कि जा करके लड़ो या प्रूव करो। तो इस गाने के अंदर यही था कि ना करो मिसयूज़, ना बोलो ना करो मिसयूज़, ना करो कभी चूज़, मतलब बेसिकली ना है ये अमेरिका यहाँ पे, ना है कोई रूल्स, तो आई एल जस्ट क्लोज माई आईज मीन वाइल एंड प्ले द देसी ब्लूज़, कि अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट हैव टू गो आउट इन द पब्लिक एंड आई डोंट हैव टू प्रूव, रादर देन दैट मैं अपनी लाइफ में आज अपना अच्छे से जीता रहता हूँ,
एंड इवेंचुअली अपने काम पे ध्यान देता हूँ। जिस दिन ये डेवलप होगा कंट्री, जिस दिन अमेरिका या रूस टाइप डेवलप होगा, तो उस दिन यू विल गेट टू नो। मतलब इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि मैं इसको समझा भी नहीं सकता। तो ऐसा है अपना। और बाकी अब आपकी कोई फरमाइशें हो तो बताइए। मेरा फेवरेट सॉन्ग ये अपने पुराने टाइम का ही गाना है, अमिताभ का इंतहा हो गई। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। इंतहा हो गई इंतजार की, क्या बुरा बात जो है मेरे यार में, वो बात है नहीं किसी में। यही गली गली में बात जो है मेरे यार में, वो बात है नहीं किसी में। वो मेरी है बस मेरी है, शोर है यही गली गली में। गुजर न जाए हाँ ये पल इंतजार के सॉरी मेरा एक कॉल आ गया था पीछे से तो पॉज हो गया था, लेकिन हमें गानों के माध्यम से बदलाव की बात तो करनी ही चाहिए। हाँ एक्चुअली अपन गानों के माध्यम से बदलाव की बात करते हैं, तो अभी मैं कुछ गाने ऐसे लिखता हूँ, जैसे अभी वो था जो इसके पहले मैंने आपको सुनाया था, जेब में जो होता है पैसा वैसा मेरे, तो वो भी गाने इसी पॉइंट के ऊपर था कि आज के टाइम पे मनी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। देखिए अभी हम इंसान हैं, कहने को सबसे इंटेलिजेंट पर जाती हैं इस धरती की, बट फिर भी हम लोगों ने एक दूसरे को इस तरीके से बांधा है कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि रोटी और मकान, चलो कपड़ा तो हम फिर भी एक लग्जरी कंसिडर करते हैं इंसानों के पास है जो, बट खाना और मकान रहने और खाने के लिए भी हमको कमाना पड़ता है। बाकी जानवरों के साथ में क्या है, धरती पैदा कर रही है, वो धरती ही उनको खिला रही है और हमको भी बेसिकली धरती ही खिला रही है, बट हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को ऐसे बांधा हुआ है कि हमको किसी की नौकरी करने की ज़रूरत है अपना पेट भरने के लिए और अपने घर वालों का पेट भरने के लिए। तो इसी पॉइंट पर मैंने ये चीज़ लिखी थी बेसिकली जो वो गाना था। और क्या है कि अपन म्यूज़िक के अंदर ना कभी भी हार्श नहीं हो सकते आप, मतलब मेरा एज एन आर्टिस्ट मेरा क्या कर्तव्य है, मैं सिर्फ अपनी सोच को पब्लिक के सामने रख सकता हूँ, बट आई कैन नॉट फोर्स इट, मतलब मैं गवर्नमेंट तो नहीं हूँ। तो बस ये एक पॉइंट होता है, तो मैं जब अपने गाने लिखता हूँ तो मैं बस इश्यू का एड्रेस करता हूँ, बट देन अभी तक मैं उस लेवल तक आया नहीं हूँ कि फिर मैं पब्लिक को कभी भी गाइड करूँ, पता चला पब्लिक मेरे को ही उल्टा बोले भाई तुम कौन हो, तो ऐसा सीन है। ये गाना चलो मम्मा अपनी मम्मा को डेडिकेट कर रहा हूँ और सारी मदर्स को डेडिकेट करता हूँ, अब मेरे दिमाग में गाना आ गया। तो मैं तुझे बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, भेजना इतना दूर मुझे, घर लौट कर भी आना पाऊँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता है ना माँ। जब भी कभी
के थामेगी माँ। मैं तुझे बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ माँ। तुझे सब है बधा भाई। नगमे है सिकवे हैं, किस्से हैं बातें हैं। नगमे है बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम चले जाने के बाद आती है। यादें महफिल में तेरी हम ना रहे तो कम तो नहीं है, कम तो नहीं हमारी नजदीकियों के। कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मैंने तेरे आंगन में बैठे बैठे सांझ किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बे चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया ओ पिया। थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू मामी जी। थोड़ी आवाज़ भारी और गले से निकालो चलना। अभी आवाज़ का टेक्सचर सर नेचुरल रहता है, मैं अगर बनाऊँगा तो फिर ज़्यादा थ्रोट देना पड़ेगा मेरे को, ज़्यादा थ्रोट दूंगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, फिर गला फट जाएगा मतलब उसके लिए।
थैंक यू नासिर जी। अभी अभी हुआ यकीन के आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं जल गया सूरज को मैं गल गया थैंक यू मामा जी, थैंक यू सौरभ, थैंक यू नासिर जी। तो ये ऐसे ही कुछ गाने हैं जो कभी पुराने नहीं होते। तो अपना 5:50 ही हो गया है, ऑलमोस्ट 45 मिनट ऐसे निकल गया पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच, आप लोग इतने बने रहे साथ में, धन्यवाद देवेंद्र जी। प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू आपने मेरे को बुलाया, थैंक यू मामी जी आपने मेरे को रिकमेंड किया देवेंद्र जी को, मतलब मुझे रिकमेंड, मतलब देवेंद्र जी को मैं रिकमेंड किया आने के लिए। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही, आप लोग भी खुश रहिए और मिलते हैं फिर, सी यू।